दिल्ली हाई कोर्ट ने 1983 सिख कतलेआम के मामले च सीनियर कांग्रेसी आगू जगदीश टाइटलर की अपील रद्द कर दी है। जगदीश टाइटलर ने 1984 सिख कतलेआम मामले च मुड़ तो जांच ना शुरू करने की अपील पाई सी। अदालत ने पीड़ितों ते सीबीआई नूं इस संबंधी 4 हफ्ते जवाब देने लई कहा है। दस दईए कि सीबीआई ने जगदीश टाइटलर नूं क्लीन चिट दे दी सी, जिस तों बाद कड़कड़डूमा अदालत ने सीबीआई नूं इस मामले की मुड़ तो पड़ताल करन दे हुकम दिते सन। जगदीश टाइटलर ने हेठली अदालत के इस फैसले नूं दिल्ली हाई कोर्ट के विच चुनौती दी अते कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जगदीश टाइटलर की अपील रद्द कर दी है। इसका मतलब यह है कि टाइटलर के इस मामले के नाल जुड़े होने संबंधी जांच जारी रहेगी। अनुराधा शुक्ला एडिशनल सैशन जज ने टाइटलर के खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए हैं और सीबीआई ने कहा कि जेडे गवाह मौजूद ने उन्हां दियां स्टेटमेंटा रिकॉर्ड नहीं की गई, उन्हां दियां स्टेटमेंटा रिकॉर्ड करो। उसके खिलाफ टाइटल ने आके अज एक पटीशन पाई से हाई कोर्ट के, और पहला पटीशन लगी सी 31 मई को। उस दिन उन्हें स्टे मंगी कोर्ट तो, कोर्ट ने मना करता स्टे मंगने देने लिए। अज फिर वह पटीशन लगी हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट के उन्हें फिर कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई कर रही उन्हें स्टे करो, मगर जो जस्टिस एसपी गर्ग ने उन्होंने साफ मना कर दिता। उन्होंने कहा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है और हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगी। और उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिता लखविंदर कौर जो कंप्लेनेंट आते सीबीआई कि यदा जवाब फाइल करो, और जवाब फाइल करने तो बाद 18 सितंबर फाइनल आर्गूमेंट वास्ते ये डेट लगा दी है। टाइटल का यह कहना है कि जो उत्थे जज अनुराधा शुक्ला ने ऑर्डर पास किया उस तो पहला टाइटल नूं सुनिया नहीं गया, और इस बना दे उत्ते उसने पटीशन पाई है। हुण इहदे आर्गूमेंट होणगे और 18 सितंबर नूं कोर्ट इस दे उपर बहस सुन के फैसला करेगी। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।